वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। राइज पंजाब प्लान के इब्तदाई फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी गई। उस्मान बुज़ार का कहना है फलाही मंसूबे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शुरू किए जाएंगे। कोरोना के बायस नई तरजीहात वक्त का तकाजा है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें चेयरमैन मनसूबा बंदी और तरक्यात ने राइज पंजाब के फ्रेमवर्क की दस्तावेज वज़ीर आला उस्मान बुज़ार को पेश की। सरदार उस्मान बुज़ार ने राइज पंजाब के नाम से इब्तदाई फ्रेमवर्क की मंजूरी देते हुए दस्तावेज को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की। इजलास से खिताब में उस्मान बुज़ार ने कहा कि पंजाब हुकूमत पहला सूबा है जिसने कोरोना वबा के पेश नज़र बदलती सूरत हाल के तनाजुर में राइज पंजाब का प्लान मुरतब किया है। सूबे में तरक्याती मंसूबों, बिजनेस के फरोग और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए नई सोच के साथ नए इकदाम किए जाएंगे। राइज पंजाब के तहत सेहत, तालीम और समाजी तहफ़ के लिए भी मुनफरद लाहे अमल मुरतब किया जा रहा है। वज़ीर आला ने हिदायत की कि सोशल प्रोटेक्शन फंड के क्याम की तजवीज का जायजा लेकर जल्द रिपोर्ट पेश की जाए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत निजी सरमायाकारों की हौसला अफजाई की जाएगी।